जल्द ही शुरू होगा मकराना में मॉडर्न बस स्टैंड का शुभारंभ। परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री खाचरी आवास मकराना में बस स्टैंड का शुभारंभ। शहर के मंगलाना रोड स्थित बस स्टैंड के नए भवन का शुभारंभ परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक व कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत की अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री खाचरी आवास मुख्य अतिथि रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि धर्म जाति के ऊपर पहले देश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हमेशा ही आमजन की सोच और ज़रूरत के लिए काम करती है। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आमजन की तरक्की और विकास करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल आरक्षकता फैलाती है, सत्ता में रहना ही मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर कोरोना काल में राजस्थान के दोगला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं दिया। केंद्र ने केवल भाजपा शासित राज्यों की ही सहायता की है। राज्य में कोरोना के समय राजस्थान सरकार ने आमजन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे इंतजाम किए और विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना पर काबू पाया है, जिसके बाद पूरे देश में राजस्थान का मॉडल लागू करने की बात खुद प्रधानमंत्री को भी माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में विभिन्न योजनाओं संचालित कर रही है, जिसमें हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी शामिल है। उन्होंने आमजन से सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। इस दौरान गच्चीपुरा के निवासियों ने गच्चीपुरा से जयपुर और अजमेर के लिए पुनः बस चलवाने की मांग की। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न बसों को पूर्व की भांति संचालित करने की भी मांग की गई। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने कहा कि शहर के एकमात्र बस स्टैंड है जिसकी हालत जर्जर हो चुकी थी और बारिश के समय में पानी भर जाता था। ऐसे में आमजन की मांग पर उनके द्वारा सरकार और परिवहन मंत्री को उक्त समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद तुरंत नया बस स्टैंड के बनवाने के लिए बजट पारित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद मकराना के सभापति समरीन बाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम बाटी, गो सेवा समिति संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चौहान, दिलीप सिंह चौहान, भामाशाह नवाब अली गैसावत खाटू वाले, भामाशाह जमीर अहमद खाटू वाले को भी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष बवरा राम डुड्डी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ, मुन्ना राजपुरोहित, पार्षद मोहम्मद असलम चौधरी, दलपत सिंह राठौड़, गीता सोलंकी, अजीज गहलोत, बोरा राम डुड्डी, खुर्शीद अहमद, रियाज अहमद रांदड़ सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हाँ सर, आज आपके मकराना विजिट से क्या कहेंगे आप मकराना विजिट को लेकर? मकराना में जाकिर भाई हमारे साथी है, आज मेरा प्रोग्राम यहाँ का बना। उन्होंने कहा कि हमारे बस स्टैंड का उद्घाटन हो और यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कि बजट में सीएम ने घोषणा की है मॉडर्न बस स्टैंड की, जल्दी मॉडर्न बस स्टैंड लाएंगे। मैंने इनसे कहा जगह देख लें,
मकराना पूरी दुनिया में पूरे देश में विख्यात है, और जो आज से नहीं स्टेट टाइम से तो यहाँ की जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से मकराना में बड़ा काम करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत मॉडर्न मकराना में मॉडर्न बस स्टैंड लेकर आएगी सरकार। जो घोषणाएँ हमने की वो लगभग होगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार जन कल्याण और विकास को आधार मानकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत, बीजेपी के नेताओं ने जिन मुद्दे और वादों पर चुनाव लड़ा केंद्र में उनके ठीक विपरीत काम किया। आज पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ धोखा किया। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा पाप किया कि आप अपने घोषणा पत्र का हिसाब दो। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहता है ये मेरा घोषणा पत्र था, उसमें से मैंने 64% वादे पूरे कर दिए और बाकी काम मैं इतने करने जा रहा हूँ, इतने काम बाकी है। जब राजस्थान की कांग्रेस की सरकार अपने घोषणा पत्र का हिसाब दे रही है तो आप भी मोदी जी जवाब दे दो और बता दो कि आपने कितने वादे किए थे, आपका घोषणा पत्र कहाँ पर है। आप ही ने नारा दिया था बोल नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई। और आपको याद होगा हमने सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में जब यूपीए सरकार थी तब हमने बड़ा काम किया, गांव-गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून बना और रोजगार गारंटी कानून में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज नरेगा चल रही है गांव-गांव में, माँ बहन बेटी वहाँ पे रोजगार प्राप्त करती है, हर व्यक्ति रोजगार लेता है। नहीं तो इस कोरोना संकट के बाद शहर भी सुरक्षित नहीं रह पाते, गरीब भूखों मर जाता गाँव में। अब मोदी जी से हमने रिक्वेस्ट की जब नीति आयोग की टीम आई थी कि हमने उस वक्त महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया, मोदी जी भाषण ही भाषण देते हो राशन तो देते नहीं हो, तो एक काम कर दो आप नकली कर लो यूपीए सरकार की कांग्रेस सरकार की, हमने गांवों में ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया, आप शहरों में रोजगार गारंटी कानून बना दो जिससे नौजवान को रोजगार मिल सके। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है, बीजेपी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। और मैं बीजेपी के लोगों को कह देना चाहता हूँ, वो राम की बात करते हैं लेकिन राम राज्य का विरोध करते हैं। राम राज्य का मतलब होता है जन कल्याण और विकास जहाँ पर हो उसी को तो राम राज कहते हैं। आप तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाना चाहते हो, महात्मा गांधी के भजनों में कहा है महात्मा गांधी ने कि सब प्यार और प्रेम के जरिए राजनीति होती है। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत यह है, हम तो राजस्थान में सरकार में है, हमारे पास तो सिर्फ 3 स्टेट है, पूरा देश आपने झूठ बोलकर जीत लिया। लेकिन सिर्फ नारों से झूठ बोलकर आप देश को चलाना चाहते हो, आपकी पोल खुल गई। कोरोना संकट में लाशों के ढेर लग गए, आपने खुद ने देखा गंगा किनारे लाशें पड़ी थी, गंगा में लाशें तैर रही थी, राजस्थान को पूरी ऑक्सीजन मिली नहीं, राजस्थान के साथ इन्होंने धोखा किया, राजस्थान के बीजेपी के 25 MP सोते रहे, बीजेपी का 1 MP नहीं बोला कि राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दो। तो राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से यदि कोई मौत हुई तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है, हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जन कल्याण और विकास हमारा रास्ता है, उस पर आगे चलेंगे। और मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ मकराना की धरती पर खड़ा हूँ, जाकिर भाई हमारे साथी हैं, हम सब मिलकर हम ये चाहते हैं नागौर का विकास हो, मकराना का विकास हो, पूरे राजस्थान का विकास हो, सब मिलकर काम करें। लेकिन केंद्र सरकार हमारी मदद करे, केंद्र सरकार ने राज्यों का हिस्सा खत्म कर दिया, राज्यों को पैसा मिल नहीं रहा है। पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में से राज्यों का हिस्सा हटा दिया। और जो बात करते हैं ये राजस्थान में वेट अशोक गहलोत जी कम कर दे, कहां से करते, अशोक गहलोत जी का वेट तो उतना ही है जितना 2014 में था, लेकिन आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी केंद्र ने, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। मैं आज कह रहा हूँ कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, राजस्थान को नंबर वन बनाना, राजस्थान को सबसे आगे खड़े रखना हमारी जिम्मेदारी, उसी पर हम काम करें। कोरोना समय से सर रोडवेज बसें काफी संख्या में गाँव में बंद हो गई जो अभी तक संचालित नहीं हो पाई है, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? रोडवेज के सामने बड़ी चुनौती है, हम नई रोडवेज बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज बड़े घाटे में है, इसीलिए अभी मैंने कहा हम इसको विभाग बनाना चाहते हैं, क्योंकि रोडवेज में नई बसें हमें खरीदनी पड़ेगी। आपके यहाँ पर भी बसों की जो दिक्कत है मेरी बात की जाके पत्रकार से और उनको भी दूर करेंगे, रोडवेज को स्ट्रेंथन करना और ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीच में 1.5 साल कोरोना ने हमको रोका लेकिन फिर भी विकास हमने नहीं रोका। लेकिन कोरोना से बचाव करते हुए राजस्थान का विकास आगे ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी। उस पर सर वसुंधरा जी भी अब फील्ड में बाहर निकल चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास खो दिया, जिन मोदी जी के नाम पर बीजेपी जीत कर आई थी उन्हीं मोदी जी के नाम पर हारेगी, क्योंकि आपकी पोल खुल गई,
अब आप किसी को भी लेकर आ जाओ, ये तय बात है राजस्थान की बीजेपी बिखरी हुई है। 2.5 वर्ष में बीजेपी के लोग जब कोरोना आया तो घरों पर सो रहे थे। एक बीजेपी के नेता को मैंने नहीं देखा, मैं रोज अस्पतालों में जाता था, एक बीजेपी का नेता सामने नहीं आया। कहाँ चले गए थे बीजेपी आरएसएस के लोग जब कोरोना से लोग मौत की जंग लड़ रहे थे, तब ये कहीं दिखाई नहीं दिए। बीजेपी में 10 गुट बन गए, 15 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन जनता बीजेपी से परेशान है क्योंकि सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। सारे लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी जनता में जा नहीं पा रही क्योंकि बीजेपी जिन मोदी जी के नाम पर वोट मांगती थी वो मोदी जी फेल हो गए तो बीजेपी करेगी क्या।